रिफाइन तो आर्मी आई कार्ड ली विदाउट यू का पार्ट 2 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंकू घर आता है और सीधे जिन के गले लग जाता है। मॉम मॉम आई एम सो हैप्पी। मैं इतना खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अरे क्या हुआ तू इतना खुश क्यों है? पता नहीं मॉम इसको क्या हो गया। जब से उससे मिला है ना तब से ये पागल हो गया है। कहीं मॉम इसके अंदर चंद्रमुखी तो नहीं आ गई? तू शांत है शुगर, तू बोल ना तुझे क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों है? तेरा कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है क्या? नहीं मॉम उससे भी बड़ी खुशी है। हाँ जी तो महाराज हमें बता दीजिए कि आप इतना खुश क्यों हैं? वो एक्चुअली मॉम मुझे तोता मिल गई। देख जखूक मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि घर में बर्ड्स मत लाया कर बिकॉज आई हेट बर्ड्स। आंटी से मारो ये मुझे खींचते हुए घर लेकर आया है सिर्फ इस बर्ड के चक्कर में। कौन सी बर्ड? अरे मॉम मैं तो उस तोते की बात कर रहा हूँ जिस तोते में मेरी जान बसती है। हैं ऐसा कौन सा तोता है? अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। अबे गधे इतनी देर से उस लड़की को तू तोता तोता किए जा रहा है, मैं कैसे समझूंगी? ओह आई एम सॉरी मॉम, वो एक्चुअली मैंने मूवीज में देखा था इसलिए मैंने कहा। आजकल मूवीज कम देखिया कर क्योंकि तेरी लाइफ ही मूवी है। मॉम अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे भी समझा दो कि जंगू आपको क्या समझा रहा है। तू जानकर क्या करेगा, इसमें तेरा कोई काम नहीं है। बिकॉज ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास दिमाग हो, और तू तो जानता है कि तेरे पास दिमाग कहाँ है। बेटे सर्विस बनने की ट्रेनिंग मुझसे ली है तूने। कोई बात नहीं, वैसे मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। बाय मॉम। बाय बेटा। फिर शुगर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही शुगर जाता है वैसे ही जिन से जंकू कहता है, मॉम मैं आपको अब बताता हूँ कि आपकी बहू मिल गई, क्या फिल्मी स्टाइल से मैंने उसे कैच किया था। क्या कैच किया था? एक काम कर तू सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर कि वहाँ पर हुआ क्या था। फिर जंकू सब कुछ जिन को बता देता है। वैसे बाहर खड़ी है क्या? कहाँ पर है? नहीं मॉम बाहर तो नहीं खड़ी है, वो तो चली गई। अरे तूने उसे जाने क्यों दिया? तूने क्यों छोड़ दिया उसे? तू जानता है कि वो तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आई नो मॉम, जैसा कि आपने कहा था कि मैं जब उसे टच करूंगा तो मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी, बस मैं उसी सोच में डूबा हुआ था और वो मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गई। तो तू उसके पीछे नहीं गया? चलिए सब छोड़ और बता कैसी दिखती है। क्या बताऊं मॉम, वो कतई जहर दिखती है, वो इतनी खूबसूरत है मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो मेरी जबरी वाली फैन है। फैन है? बट ये तुझे कैसे पता चला? वो एक्चुअली मॉम जब मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हें अपनी मॉम से मिलाना तो उसके फ्रेंड ने कहा कि वो जॉन जंकू की दीवानी है तो उसका ख्याल छोड़ दो। वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो तेरे कॉन्सर्ट में जरूर आएगी, क्यों है ना? ओके मॉम अब तो मुझे किसी का हाथ टच करने की जरूरत नहीं है ना? देख मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अगर तू सबसे हैंडशेक करेगा तो वो भी तुझसे हैंडशेक करेगी, उसके बाद तू उसे पहचान जाएगा। घूम फिर कर मुझे हैंडशेक करना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मॉम। यहाँ पर जेम्स इंसानी दुनिया में पहुँच गया था। You tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मुझे मेरा काम करने दो, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। अब तक मैं डेविल वर्ल्ड का किंग बन चुका होता, मगर तुम्हारी वजह से अभी तक मैं किंग नहीं बन पाया हूँ। माफ कीजिए मेरी गलती की वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी माफी से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन तो कह रहा तुम्हारा घर दबा कर यही मार डालू, मगर इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की जेम्स को देख लेती है और उसे लगता है कि वो जॉन जंकुक है, इसीलिए वो उसके पास आ जाती है। ओह माय गॉड ही इज जॉन जंकुक। ओह माय गॉड आप क्या अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपके सारे गाने सुने हैं, इनफैक्ट मैंने आपके कॉन्सर्ट का टिकट भी खरीदा है, प्लीज मेरे साथ सेल्फी ले लीजिए। अब ये कौन सी बला है, ये क्यों पागल हो गई? मुझे लगता है जॉन जंकुक की फैन है, मैंने आपसे कहा नहीं था कि वो यहाँ का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, तो शायद ये उसकी फैन है और आपको जॉन जंकुक समझ रही है। इसे मेरे सामने से हटाओ, मुझे बहुत काम है, देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं आप यहाँ पर गुस्सा मत कीजिए, मैं इसे समझाता हूँ। हाँ तो जल्दी समझा के इसे सामने से हटाओ, वरना अगर मैंने इसे समझाया तो मैं इसका गला दबाकर मार दूंगा। नहीं नहीं मैं समझाता हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जाओ।
में तुम कौन होते हैं मुझे यहाँ से भगाने वाले? मैं जॉन चंगू का ऑटोग्राफ लेकर ही जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम हटो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैं इसे समझाता हूँ। तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था जॉन चंगू बहुत अच्छे हैं और तुम मुझे फालतू में रोक रहे थे, प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। ओह गॉड, ये लड़की तो गई, पता नहीं प्रिंसेस के साथ क्या करेंगे। तो फिर ठीक है, ऑटोग्राफ के लिए तैयार हो जाओ। क्या सच में आप अपना ऑटोग्राफ देंगे? थैंक यू सो मच। फिर जेम्स क्या करता है ये आप खुद ही देख लीजिए। चलो इसे इसका ऑटोग्राफ मिल गया, अब हम अपने काम पे चलते हैं। पर प्रिंस आप ऐसे सबको मारते चलेंगे तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर तुम्हें मरना हो तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं इसे जाऊंगा नहीं। नहीं नहीं आप चलिए। जेम्स जैसे जाने वाला होता है कि तभी क्या हुआ प्रिंस, आप रुक क्यों गए? चुप रहो। क्या अच्छा ठीक है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, वो लड़की आसपास है इतना मुझे पता चल गया। क्या इसका मतलब उसने मैजिक किया है इसीलिए आपको धुन सुनाई दी लेकिन मुझे नहीं सुनाई दी? क्योंकि ये धुन सिर्फ मुझे सुनाई देगी और किसी को भी नहीं। एक्चुअली आर्मी जिमी जेम्स की कुछ दूर पीछे ही खड़ी थी, उसने पेपर मैजिक किया हुआ था बिकॉज ते गिरने वाली थी। ते ये तो क्या कर रही थी, तुझे आराम से करना चाहिए था, अभी तो गिर जाती। ये सब छोड़ और ये बता तूने मैजिक क्यों किया? मैंने आंटी से प्रॉमिस किया था कि तू मैजिक नहीं करेगी लेकिन तूने क्यों किया? मैं गिर जाती कोई बात नहीं। तो पागल है क्या, तू मेरे सामने गिर दी और मैं तुझे गिरने देती? और बात रही मॉम के प्रॉमिस की तो वो मैं पहले ही तोड़ चुकी हूँ। कहाँ कब कैसे तूने कब किया मैजिक, मैं तो नहीं जान पाई। वो मैंने थोड़ी देर पहले ही मैजिक किया था। फिर जिमिन ते को सारी बात बता देती है। ओह गॉड, तेरी ऐसी की तैसी, तूने एक बच्चे की जान बचाई है इसलिए मैं तुझे कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन हाँ आज की बात तो सबके सामने जादू नहीं करेगी। हाँ हाँ ठीक है, इतना क्यों भड़क रही हो, अब चलो घर चलते हैं। इसका मतलब वो आसपास ही है, देखते हैं कहीं दिख जाए तो। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जेम्स की नजर जिमिन पड़ती है। हाँ वो तुम्हारी वजह से वो मेरे हाथ से निकल गई। हाँ, पर मैंने क्या किया? ये सब तुम्हारे
तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे अपनी बातों में नहीं उलझाते ना तो वो मेरे यहाँ से नहीं निकल पाती। माफ कीजिए प्रिंस, मेरी वजह से वो यहाँ से चली गई। तुम्हारी माफी से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम उस लड़की को ढूंढो जिसे मुझे मारना है और मैं इस लड़की को ढूंढता हूँ। ठीक है प्रिंस, मैं उस लड़की को ढूंढता हूँ, आप इसके पीछे जाइए। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। ओके आदमी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय। Drop the attic, give me love.